हेलो हाँ जी, 2 मिनट रुकेगा। सर, वेब सर, इशू ये है कि एक तो डोमेन नहीं डिसाइड हो पा रहा है और किसका दूसरा डोमेन किसका है का मन है सर। बताओ। अरे वेब। हाँ बोलिए। ये इशू आ रहा है कि पता ही नहीं चल रहा किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें, और मोस्टली काम किया इनडायरेक्ट टैक्स में, थोड़ा डायरेक्ट टैक्स में, थोड़ा स्टेचुटरी ऑडिट में। इनडायरेक्ट टैक्स में उतना मन नहीं है जाने का, उसमें बहुत ओके okay। सारा ड्यूटेड, बहुत सारी अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, उसमें लॉन्ग टर्म करियर बनाने का वो नहीं है। सर इसमें क्या करना चाहिए? अभी हम जो दिए है ना आपको एक्सेल सर मटेरियल फाइनल वगैरह, निकला सर फिर। देखिए अभी आपको ना, देखिए आपका अटेम्प्ट कितना है, वैभव बोल रहे ना अटेम्प्ट। हेलो, आवाज आ रहा है आपको मेरा? मैंने डमी नहीं की है, प्रॉपर की है बट छोटे जगह से की है सर। अटेम्प्ट कितना है आपका? जी, नौकरी करना सर। ये कैसी है भाई जे अग्रवाल ने? न्यू सोचा मैसेज तो विल है बट डिसअपीयर, एज एक हो मिनट गई सर, 20 इयर्स, सेटिंग्स के तो साथ अब छेड़खानी नहीं कौन की। एक मिनट ये रुकेगा, है 2 मिनट कि रुकेगा। उसमें मैं 4 साल 3 साल अपना बेस बनाने में लगाऊं। जी, हाँ क्या बोल रहे थे आप? बोलिए, आप बोल रहा था आपका अटेम्प्ट कितना है वैभव? अटेम्प्ट आवाज आ रहा है आपको मेरा? कितना अच्छा अटेम्प्ट है आपका? आपका आवाज नहीं आ रहा मेरे को। चार अटेम्प्ट कितना है आपका? बोला हाँ है आपका वो। आवाज नहीं आ रहा मेरे अब को। 31 वाला जो प्लान था उसको मैंने प्लान बी कर दिया का आवाज नहीं आ रहा है मेरे है। को, क्या बोल रहा है? नहीं सर, ब्रेन इंटरव्यू किसका चल वगैरह रहा दे है? रहा हूँ मैं, मुझे कभी कहीं एक से मिनट ऑफर तो नहीं है। आप। हाँ, वैभव क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बोलिए। वीडियो ऑन कर लेके तो अच्छा रहेगा, ठीक है? क्या बोल रहे हैं मेरे को एग्जैक्टली बताइए आप फिर से, क्योंकि मेरा डिस्ट्रैक्शन होता है, इसे आवाज नहीं आ रहा था। फिर से बोलिए एक बार के लिए एग्जैक्टली। जी, बोलिए, फोन में बात कर रहे हैं कि मेरे से बात कर रहे हैं? मेरे को फोन में बात कर रहे हैं। हाँ? फोन में बात कर रहे हैं। जी, सर वो हाँ फोन में सर बात फोन कर रहे हैं, में। आप आगे अच्छा आगे कर। हमको ही लगा फोन में बात कर रहे थे, दूसरा देखते हैं। ठीक है, हमको लगा मेरे को, हमको लगता था फोन में ही बात कर रहा था। ओके ठीक है ठीक है। अब दूसरा सीवी किसका देखता है? लो पर मेरा गया। एक मिनट। हाँ किसका है एक बार, पहला किसका सीवी देखे एक बार, देख लेता ग्रुप में। स्टार्टिंग स्टार्टिंग से आप कर लो, हम स्टार्टिंग से जिस जिसका हो से गया देख। हाँ जिस जिसका हो गया बता वैसे ही करेगी ना, लाइन से दो। रहेगी। तो किसका देख लिया था वो बताइए। लिखिता का देख लिया था क्या? अक्षय अक्षय अंजलि सुशांत का हो अच्छा गया। हो गया था, लिखिता 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 का हो उसका गया। भी लिखिता योर डियर, लिखिता मेडिरेला, भेजा। लिखिता है, लिखिता दिखाई दे। मेरे को नहीं नहीं दिखाई दे अभी रही ना। तिरुमल किसी को रेड्डी नहीं दिखाई दे रहा सर। सर, लिखिता है, बोलिए लिखिता, लिखिता है क्या? मेरे को नहीं। नहीं है, ठीक नहीं है, रिज्यूम सर। है तो लिखिता, है तो लिखिता, वही तो मैं आपको तो बोल रहा हूँ। हाँ है। और निकिता मेरे को लगा। प्रवीण वो तो लिखिता नहीं है। नहीं, लिखिता सी डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी स्टिल, सी अटेंडेड फुल सेशन, आई वेरी यू बी नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग ना लिखिता, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग पर नथिंग, यस सर, यू डिड नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग और अंडरस्टूड। यू आर टेलिंग बहुत हिंदी एंड इंग्लिश सर, आई आई कैन अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड ना, सच अ नाइस गर्ल, शी अंडरस्टूड एवरीथिंग, डेडिकेशन। वाह व्हाट अ सीवी। स्क्रीन ओके नॉट इज विजिबल ना, नॉट। जस्ट अ सेकेंड ना। चलिए
ओके लिखिता, ओके यू हैव डन बैंक ऑडिट, गुड, ओके आई डोंट थिंक सो यू हैव डन दिस, राइट? यू हैव जस्ट कॉपी पेस्टेड, करेक्ट? नो प्रॉब्लम, यू हैव कॉपी पेस्टेड बट नॉट दिस, करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं, हम ही बोला है. यू हैव डन दिस ऑडिट प्लानिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल रिव्यू. नो यू हैव नॉट डन ना, दैट ओनली. तो दिस क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर, ओके? ऑडिट प्लानिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फॉर दिस वीडियो यू हैव टू सी, ऑल आर इन इंग्लिश ओनली, नो प्रॉब्लम. हाँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, डिफरेंस बिटवीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ एनालिटिकल रिव्यू. व्हाट इज एनालिटिकल रिव्यू? डोंट नो. एनालिसिस ऑफ प्रीवियस डेटा विथ करेंट ईयर डेटा एंड देन चेक द रेशियोज विथ आउट ईयर इट प्रीवियस इज, सी ईयर्स. इन दिस एवरीथिंग इज देयर, व्हाट एवर यू राइट इन द सीवी, एवरीथिंग इज इन एक्सेल. वी हैव मेड द सीवी इन सच, वी हैव मेड द सीवी इन सच, एवरीथिंग विल बी इन एक्सेल. यू सी, एंड सी मैजिक, कंट्रोल एफ, यू डू कंट्रोल एफ एंड एनालिटिकल रिव्यू यू राइट, ओके? एनालिटिकल यू राइट, यू विल गेट, कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है? यू गॉट ना एनालिटिकल, प्रोसीजर्स कुछ मिला यहाँ पर? कुछ नहीं कहा. कंट्रोल एफ, प्रूफ में जाके ओके, एक मिनट. हाँ, कंट्रोल एफ मार रहे हैं हम, उनको भी नहीं मिल रहा है. कुछ कुछ जिसका नहीं मिलता है, खोजना मत. यहाँ पर मिलेगा बहुत, एनालिटिकल रिव्यू, ठीक है? एक बार हम दिखा देते हैं आप लोग को एनालिटिकल रिव्यू, ठीक है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालिटिकल रिव्यू. जो भी लिखा है ना एनालिटिकल रिव्यू, पूछेगा ही पूछेगा एनालिटिकल रिव्यू, ठीक है? और एक अच्छा बात बताए, उसको भी पता नहीं होता एनालिटिकल रिव्यू, तो वो जो भी बोलेगा वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है जनरली. लोड अगर आपको बिग फोर ग्लोबल में देखा तो उसको आइडिया नहीं होता है जनरली. इंडिया वालों का पूरा आइडिया होता है, तो इंडिया वाला आपका डिपेंड करता है, तो इज टेकिंग योर इंटरव्यू ग्लोबल में, इतना वो अगर डिपेंड करता है आपका, कैंपस में जो देता है उतना वो ओके ओके कर देगा, तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन ना, सर, दोज आर उसमें नॉट तो एनालिटिकल सर नहीं एनालिटिकल रिव्यू में तो पास्ट ईयर ये सब एनालिसिस करके सारा यार, चेक एबल करना टू सी पड़ता है, नॉट वही लिखा, होगा रुके अवेदिक सर. बना. आपने ये जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मेंशन की हुई है, अगर हाँ सब सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे तो फिर ये नहीं हो जाएगा कि सबने सेम ही लिख दिया? इतना इतना आसान नहीं है, आता से हमें पढ़ के जाएगा ही नहीं, हमको भी पता है. और ऐसा तो है नहीं कि आप जिधर इंटरव्यू दे वो भी उधर ही देगा, उसको याद थोड़ी ना देगा, है ना? थोड़ा सर बहुत कुछ, वीकनेस आप जो लिखे हैं सर वो वो भी थोड़ा तो सा दो दो और दो दिए है, दो दो दिए है. देखिए वीकनेस, टीम नहीं सर, स्पिरिट, आपने आपने लिखा था आई लीडरशिप हैव का. नो वीकनेस, ये बोलना सही हाँ, नहीं लगेगा. क्या चीज, आई हैव नो वीकनेस हम कहा लिखा है आपका आई हैव नॉट आपका वीकनेस, ना एक्स मेरा कहाँ नहीं लिखा है? आपका मैं लिखा है नहीं, कहीं कहीं पे लिखा था है सर, ये देखिए, रिसेंटली आई क्या है नो वीकनेस आपका? ऐसा कुछ लिखा हुआ था. हाँ, ऐसा कुछ लिखा हुआ था वो सर्च करने टाइपिंग के वाला लिए जो ना ऐसे पॉइंट ऐसे लिखा कुछ हुआ था ना था. उसमें, कि वीकनेस इतना है नहीं, हाँ बट इनिशियली मैं टाइपिंग आर्टिकल से का. पाया यहाँ है पर राइट, यू आई कैड टू टू बी नो ऑनेस्ट, नो वीकनेस. सच वीकनेस सर, ये प्रेजेंट वीकनेस वाले में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन प्रेजेंट देयर इज नो वीकनेस. यू आर नॉट स्टडिंग फूल, देर इज नो सच वीकनेस. आई रिमेम्बर विद रिस्पेक्ट टू द वर्क, बट आई ओहो फील आई देर इज रिमेम्बर बट आई फील देर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ईच एंड एवरी वे वी वर्क वी कैन डू, इन ईच एंड एवरी वर्क वी कैन. ओके ऑनेस्टली आई डोंट हैव वीकनेस इन रिस्पेक्ट टू द वर्क, पूरा लिख दी परहैप्स. सर, आई एम वो ट्राइंग टू क्वेश्चन इम्प्रूव माई टाइपिंग स्पीड मोर पूछेगा फास्टर, टाइपिंग विदाउट सीइंग टू इंक्रीज द टाइपिंग स्पीड, ठीक है? एक ये बोल दीजिएगा, एक ऊपर वाला, ठीक है? इन आर्टिकल सिर्फ इंग्लिश इज अ वेरी मनोदन फनी लैंग्वेज, इफ यू से आधा सेंटेंस पढ़ेंगे तो मीनिंग नहीं समझ पाए, पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ता है, ठीक है? इन माई सर. आर्टिकल सिर्फ, इसलिए तो जो सर अगर ये हम लोग जान बूझ कर करता है ना, जो अगर सीट मिल जाएगा वो आधा पढ़ के जाएगा तो फेल हो जाए, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? एंड अ प्रॉब्लम विद पेशेंस, आई वॉन्टेड टू लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली, दे वर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट द टास्क विद मी विद गिवन फुल अटेंशन, आई वॉज नॉट रिव्यूइंग माई वर्क प्रॉपरली एंड आई वॉज डिपेंडेंट ऑन सीनियर फॉर टेलिंग मी मिस्टेक्स. ये सबके साथ होता है. दिस क्रिएटेड अ बैड इंप्रेशन अर्लियर ड्यू टू विच आई लॉस्ट सम क्लीक क्लाइंट वर्क, प्रिंसिपल स्टार्टेड नॉट गिविंग यू वर्क एंड इट वॉज एलोकेटेड टू माई बेस्ट फ्रेंड, देन दिस इंसिडेंट मेड मी मोर सीरियस, इन रिस्पॉन्सिबल एंड परफेक्ट वर्ज द वर्क आई गॉट एंड गिव लेट चांसेस टू द सीनियर, ओके, डू दैट फ्रेंड टू फाइंड मोर मिस्टेक्स इन माई वर्क, ठीक है? यू गॉट माई पॉइंट ना? तो ये सब ऐसे ऐसे मिस्टेक्स बताना है कि उसको लगे भाई एकदम हो गया वो, ठीक है? आई वॉज इन द एनालिटिकल रिव्यू, ओके? आप लोगों को डिबेट करने का कोशिश करता है बहुत. लिखिता ही और देना, लिखिता
यहाँ पे मैं डाउट है। अभी हम डाउट नहीं लेंगे, अभी लिखिता वाला पहले, लिखिता ओ साहू सो सर जाता जल्दी। हाँ ठीक है सर, ठीक है, लिखिता एक चीज़, मैं एक चीज़ बताइए, आपने एक बोला मिनट एक था कि मिनट, आई हैव नो सच, एक मिनट मिनट सुनिए ना, सुनिए ना, आई हाँ हैव नो सच वीकनेस इन रेस्पेक्ट टू द वर्क आई हैव परफॉर्म्ड। सो तो वो बोलेगा कि तुम तो पूरा 100% परफेक्ट है देर इज अ तब स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ना, देर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट राइट टोल्ड ना, देर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ईच एंड एवरी वर्क वी कैन डू, एंड देन दे कैन आस्क यू कि व्हाट इज द स्कोप, टाइपिंग स्पीड इज स्लो, टाइपिंग स्पीड इज स्लो, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माय टाइपिंग स्पीड, बस काम खत्म। और आप मेरे को जब काम में रखेगा तो आप देख लेना मेरा क्या क्या वीकनेस है, व्हेन यू कीप मी पहले इस्तेमाल करके ठीक है एनालिटिकल रिव्यू। ठीक है देखिए, हम लोग जो हमको दे रहा है ना क्वेश्चन आंसर निकाल के, ये सब आंसर ऐसे बोलेंगे ना, देखिए आंसर हमेशा ऐसे देना चाहिए जो आपका लेवल का हो, हम आंसर भी आपका लेवल का सर। दिया है, जब ज्यादा अगर उसको टाइपिंग दिखाएंगे ना, हाँ आपका लेवल का आंसर देना चाहिए उसको हमेशा, तो इसे लगे कि स्पीड हाँ बोलेंगे तब तो लगेगा फर्स्ट ईयर आर्टिकल है। टाइपिंग स्पीड इज स्लो, सबका टाइपिंग स्पीड स्लो होता है, मेरा भी अभी देखिए अभी टाइपिंग स्पीड स्लो था ना, तो टाइपिंग स्पीड स्लो था, बिग फोर में जाके बहुत फास्ट करना पड़ेगा टाइपिंग आपको, ठीक है सर तब वो ये भी तो बोल सकता है कि आपने 3 साल आर्टिकलशिप में तो सही से काम नहीं किया वो लैपटॉप पे। नहीं आप ये सब अगर आपको जनरली विल नॉट आस्क यू दो मच ना, माय टाइपिंग स्पीड इज स्लो अकॉर्डिंग टू माय लेवल ऑफ, तो अकॉर्डिंग टू माय अच्छा स्टैंडर्ड, आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका टाइपिंग स्पीड स्लो है, कंपेयर टू माय पियर्स माय टाइपिंग स्पीड इज रीजनेबली वेल आई फील, ठीक ठीक है है, ऐसे करके बोलना है ना भाई ठीक है आपको, तरीका से बोलना है, अकॉर्डिंग टू माय लेवल इट कैन बी इम्प्रूव, आप इम्प्रूवमेंट बता रहा है, अपना वीकनेस कहाँ बता रहा है, उसको वीकनेस बताना ही नहीं है, वीकनेस अच्छा क्या हो जाएगा, आई एम इमोशनल तो वो हो जाएगा, ठीक है दीपू हाँ चलिए, लिखिता लिखिता सर, राइट, यस सर, एनालिटिकल रिव्यू यहाँ से पढ़ लेना, एनालिटिकल रिव्यू सबको पढ़ना है, किसी को नहीं आता एनालिटिकल रिव्यू, वीकनेस वीकनेस कोई नहीं पूछता, हम आपको बता देता है ये ऐसे ही दे दिए विकार में, वीकनेस कोई एक हिंट में पूछ लिया, ये पहले पूछता था एनालिटिकल रिव्यू, एनी वन कैन आस्क यू व्हाट इज एनालिटिकल रिव्यू, एनालिटिकल रिव्यू डू द वेरियंस एनालिसिस, सेल्स सेल्स का फिगर देगा 500% इंक्रीज, व्हाई द रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड, द रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू वन टाइम इवेंट सर, देयर वाज एन एफडीडी, देयर वाज मर्जर एक्विजिशन लाइक दिस, ओके तो यू हैव एनालिटिकल रिव्यू इज डन एट टू स्टेजेस, ओके वन एट द प्लानिंग स्टेज एंड वन एट द क्लोजर स्टेज, ओके तो टू स्टेजेस एनालिटिकल रिव्यू इज डन, तो एट द प्लानिंग स्टेज व्हेन द एनालिटिकल रिव्यू इज डन, तो यू जस्ट टेक द क्लाइंट डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड वेन यू टेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू जस्ट कंपेयर द करेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर फिगर्स, करेंट ईयर प्रीवियस ईयर फिगर्स यू विल चेक एंड देन यू विल जस्ट फाइंड आउट की व्हाट इज द वेरियंसेस, इवन दिस आई हैव एक्सप्लेन इन माय वीडियो आल्सो, तो वीडियो भी जाके देख लेना, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एनालिटिकल रिव्यू ये आना चाहिए आपको, ये नहीं आता तो दिक्कत है, बिकॉज ये बोलो पूछेगा एनालिटिकल रिव्यू लिखती है ना, तो एनालिटिकल रिव्यू आना चाहिए, ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सीवी, आपने जो भी सीवी में लिख दिया आपको अगर नहीं आता तो प्रॉब्लम है, याद रखिएगा, तो एनालिटिकल रिव्यू ये सब पढ़ लीजिएगा, ये प्लानिंग प्लानिंग में होता है, यहाँ पर मैं ये सब चीज है ना, इसको एक बार और फटाफट देखिएगा तो आपको ये एनालिटिकल रिव्यू भी दिख जाएगा, एनालिटिकल रिव्यू बहुत ईजी होता है याद रखिएगा, ठीक है एनालिटिकल रिव्यू पूछेगा ही पूछेगा 100% आपको, एनालिटिकल रिव्यू आपको पता होना चाहिए याद रखिएगा, एनालिटिकल रिव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिटिकल रिव्यू व्हाट वी डू इट प्लानिंग स्टेज एंड क्लोजर स्टेज, इन द प्लानिंग स्टेज व्हाट वी डू, प्लानिंग प्लानिंग मतलब जब प्लान कर रहे हैं कौन करेगा हु डू द वर्क एंड ऑल, ठीक है तो वीडियो देखिए प्लानिंग का देख लीजिएगा, तो इन दैट वी टेक द फाइनेंशियल्स फ्रॉम द स्टेटमेंट एंड वी फाइंड आउट द वेरियंसेस, सेल्स परचेज एवरीथिंग वी फाइंड आउट द वेरियंसेस एंड डिफरेंसेस, देन विल गो टू द मैनेजमेंट एंड आस्क सो योर सेल हैज इंक्रीज बाय 500%, योर पेरोल हैज इंक्रीज बाय 1000%, व्हाट इज द रीजन, दिस सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, ओके लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल रिव्यू, एनालिटिकल एनालिसिस, यू डूइंग एनालिसिस रिव्यू दैट इज एनालिटिकल रिव्यू, तो इट इज अ वेरियंस एनालिसिस, व्हाई डू इन द प्लानिंग स्टेज टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट अकाउंट नेचर टाइमिंग एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर, सिग्निफिकेंट अकाउंट मींस Now this is a significant account, 500% increase. Payroll is a significant account. Means you have to apply the more audit procedure, more vouching will be done out here. More time will be invested out here. Time extend, nature time extend. That's why we do the analytical review. Now see, when you do an audit of a small firm, what you do?
We do an audit of a small firm. You go there, you ask the purchase registered, you ask the sale registered, and you start doing tick mark, tick, 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 ho gaya, vouching done. But in the big organization like a Reliance Industries or a Bharti Airtel, you will not go there and ask the sale registered. First, you will do the audit planning. That we will first come here and we will do the planning for बात you. You got my point? बिल्कुल भाई जब हम ज्ञान दे रहे तब सुन लो. यस तो व्हेन आई एम गिविंग द ऑडिट प्लानिंग, सी व्हेन यू विल गो टू अ बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ लिस्टेड क्लाइंट, सो फर्स्ट वी डू द ऑडिट प्लानिंग. इन द ऑडिट प्लानिंग एनालिटिकल रिव्यू इज अ मेजर पार्ट वेयर वी आस्क द क्लाइंट द गिव अस द फाइनेंशियल्स एंड आफ्टर यू गेट द फाइनेंशियल्स यू विल प्लॉट द फिगर्स. इसको बोलते हैं प्लॉटिंग, प्लॉटिंग द फिगर्स. एंड व्हेन यू प्लॉट द फिगर्स यू फाइंड आउट द डिफरेंसेस. वंस यू फाइंड आउट द डिफरेंसेस वेयर यू फाइंड द मेजर डिफरेंसेस यू विल गो टू द मैनेजमेंट एंड आस्क ओके व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंसेस. यू कैन से सर दिस इज द रीजन विद दिस. आई विल आस्क टू माय सीएफओ एंड अपडेट यू सर. ओ सर आई विल टेल यू सर दिस इज अ मिस्टेक एट माय एंड द फिगर इज रॉन्ग. इफ फिगर इज रॉन्ग देन प्लीज रेक्टिफाई इट. दिस इज द वे एनालिटिकल रिव्यू इज डन एंड इट इज डन ऑन द क्लोजर स्टेज ऑफ द क्लोजर मीन्स द फाइनलाइज होगा देन ऑल्सो इट इज डन. नॉर्मली व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो फॉर एन ऑडिट एट अप्रैल ओके व्हेन यू गो फॉर अप्रैल मई ऑडिट तो दे विल गिव यू द अपडेटेड फाइनेंशियल्स. That financials the there can be error in the figures, right? The sales figure can be wrong, the payroll figure can be wrong, or you might have find out some mistakes on the basis of your vouching verification. So once this is done, once the planning is done, execution you have done, the vouching verification you have given to the management to do everything, then again the closer stage you will ask the management to rectify these financial statements, correct? You will ask them to rectify this financial statement. After the financial statement is rectified, again you will do the analytical review. Again, you will do the analytical review. That's why again it is done at the closer stage. And this time to inform the management about the significant variances and form our audit opinion. Of this time for forming audit opinion, we do the analytical review, final analytical review. Earlier, we did to identify the significant account nature, timing, extent of this, and this, and we'll send you the partner. Partner will see the analytical review report only. Partner बैठ के आपका audit working papers he will not see. He will see the analytical review, CARO report, financials. These are the things he will check. CARO में he will check कि in analytical review will find out some areas. Okay, sales has increased by this much amount. What was the reason for sudden increase in decrease in the sale? So this is done. Even in the FDT profile, this is done. So this is what analytical review. Apart from this, we also do the ratio analysis. Ratio analysis you have already done in the form 3CP, 3CD, right? 44 CD, that is the 3CD. But ratio and the variance analysis is analytical review. So this is something that you have to explain very properly. I hope this was clear. If it is not clear, then you can ask me more questions. But this is very, very important. Any interview, if you write in the, even in the interview, they can ask you suddenly, what is analytical review? What is test of control? What test of control everybody knows now? If anybody don't know test of control, test of control. Test of control. Checking of authorization, delegation of duties, checking of the delegation of authority. ठीक है, ठीक है. दो तीन चीज आप लोग को इन्वेस्टमेंट अच्छा करना बहुत जरूरी है. 10 to 15 lakhs के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिव्या, ओके, एवरीबॉडी इज वेरी कैजुअल आउट हियर. ठीक है, तो ये चीज आप लोग को इम्प्रूव करिए. मेरा कोई काम नहीं है इसमें. ठीक है, लाइक निकिता, आई योर योर बैकग्राउंड इज नॉट गुड, तो बैकग्राउंड हैज टू बी वेरी गुड. ओके, और लाइटिंग हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइटिंग जैसे दिव्या का लाइट भी बहुत सही है, तो ऐसे करके बैठिए मतलब एक जगह लाइट वगैरह. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. योर फेस शुड बी विजिबल, लाइट शुड बी ऑन द फेस. सो टू और थ्री थिंग्स दैट यू कैन इम्प्रूव. मुकेश ऑल्सो दैट, एक है ना लैपटॉप में ना रिंग लाइट लगा लीजिए, 500 रुपये में आता है. तो इन्वेस्टमेंट करिए, या तो एक ना एक और के आपको इजी एक्सपेंसिस बता रहा है, इमरजेंसी लाइट होता है ना, इमरजेंसी. आई यूज दैट ओनली. तो इमरजेंसी लाइट, ओके, इमरजेंसी लाइट एवरीबॉडी हैज. इमरजेंसी लाइट अपने लैपटॉप के बगल रखिए, जस्ट इन फ्रंट, अ गुड इमरजेंसी लाइट, सो दैट द लाइट विल थ्रो ऑन योर फेस, फुल फुल लाइट. सेकेंड थिंग, ऑडियो क्वालिटी. नाउ यू आर एबल टू सी दैट वेन एवर अंजलि वॉज स्पीकिंग और एनीबॉडी स्पीकिंग, वॉइस इज नॉट ऑडिबल. माई वॉइस इज ऑडिबल ना नाइसली? माई वॉइस इज ऑडिबल नाइसली, राइट? इफ योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल इन इंटरव्यू एंड योर वीडियो इज नॉट, एंड वीडियो शुड बी ऑन. प्लीज मेक श्योर इफ दैट इंटरव्यू टोल्ड यू प्लीज ऑन योर वीडियो, यू आर गोइंग टू गेट रिजेक्टेड. ही विल थिंक दैट यू आर सीइंग द आंसर एंड सेइंग द आंसर. दे विल नॉट केयर अबाउट माई इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग. सी दिस आई हैव ऑलरेडी डन. आई हैव सीन ऑल्सो मेनी पीपल, ओके, आफ्टर दे गेट द जॉब ऑल्सो
when there is an MST meeting, they say take this only, the internet is not working, this is not working. After 6 months, they get an offer, they get another offer letter that thank you for joining the firm, and that is it. To make sure, okay, your in the in, when you are many people, what they do, once they get a job also in Big Four or any organization, now work from home is the culture. So in the 7 days, 2 or 3 days, you have to work from home also. So in the work from home, if there is a client, you have to on your video. But sometimes what happens, emergency cases, so you thought ki, what is the need? Let's do it from anywhere, okay? And you don't know on your video, and you say that is the internet problem and all. Suddenly you don't know that partner is also there in the video. Partner bola ki, suddenly I am also there in the meeting, we'll see what will happen. And the partner sees that you are not on your video. Gone. I've seen, and this is very serious, I'm telling you. These are very serious cases. If the director partner is there, you're not owning the video, and then later on, then after the client meeting is over, why your client, well, video was not on? Sir, actually internet problem was there. Two or three times internet problem, then your problem. So this is something that is very, very important. Okay, just a second. So this is something which is very important. What I told now? What I told? Two things. Number one. Number one is audio and video. It should be on. If it is off in the interview, sure shot rejection is there. High probability of getting rejected because he will think that you are either seeing the answer and saying the answer. Number one, that is the first risk. That is audit risk, na? That you are taking the answer and saying the answer. Number one, many people, they're very clever, okay? What they do, okay? They don't know the answer. They will off the video. And this internet issue, and they will open and tap, and then say the answer, then on the video. Don't try to be over smart. If you do this, you are sure not getting to be rejected. So, ये सब जो आइडिया है ना भोजन का आता है कि लेट्स ऑफ द वीडियो एंड टेल द आंसर से दैट देयर इज सर, इंटरनेट आपका वॉइस प्रॉब्लम. सही नहीं आ रहा अभी आवाज आ रहा है, आ रहा है आवाज, म्यूट अंजलि का वो हो रहा है. तो मेक श्योर योर वीडियो इज ऑलवेज ऑन ड्यूरिंग द इंटरव्यू. मेनी पीपल गेट रिजेक्टेड, ट्राई टू मेक इट ऑन एज मेनी एज पॉसिबल. ट्राई टू मेक इट ऑन और टेल सर, लेकिन इन केस आपका इन मेरा बात अलग है, ऑफ मेरा भाई जूम ही खराब चलता है, ठीक है? इन है। केस, ठीक है, इन केस इट्स अ जेन्युइन इशू दैट योर वीडियो इज ऑफ, यू टेल टू द पार्टनर बिफोर एंड हूएवर इज टेकिंग दैट, आई एम टेकिंग सिंसियर अपोलॉजी फॉर इट, बट माय वीडियो टुडे विल बी ऑफ. बट जनरली देयर आर हाई चांसेस ही विल नॉट टेक योर इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, और ही माइट गिव यू अ हाई चांसेस ही विल नॉट टेक द इंटरव्यू. बट देन तो वो आल्सो, लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। हाँ, वो लोग बोलेगा कि तुमको ऑन तो रखना ही पड़ेगा वीडियो ऑल द टाइम. बट इन केस हो सकता है ना कि इसका लाइट चला गया, इन इट कैन हैपन ना कि योर इलेक्ट्रिसिटी वेंट, जस्ट इन केस एनीथिंग कैन हैपन, ओके? इंटरनेट कैन गो, एनीथिंग. तो यू हैव टू इन्फॉर्म हिम, कॉलिंग हिम और व्हाट्सएप और समथिंग टू द एचआर हु हैज कॉल्ड यू कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है एंड आई एम नॉट एबल टू डू. डू ईमेल इमीडिएटली, ईमेल भी इमीडिएटली कर देना उसको कि आई एम वेरी सॉरी सर, देयर इज अ सडन बिजली आ गया, करंट हो गया, सुनामी, फ्लड, व्हाट एवर इट इज द केस, ओके? यू हैव टू मेल इमीडिएटली, यू हैव टू मेल इमीडिएटली कि मेरा वीडियो ऑफ ये कारण से हो गया, तो काइंडली ली, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइजिंग फॉर दिस. सेकेंड थिंग व्हाट आई टोल्ड यू इज द ऑडियो क्वालिटी. इसके लिए बोया माइक आता है, एक माइक खरीद लीजिए 400-500 रुपए कौन का, सा माइक सर? बोया माइक, बोया बोया माइक, अच्छा क्वालिटी वॉइस के लिए, ठीक है? यूट्यूबर लोग यूज करता है बोया माइक, ठीक है? या ऐसा रखिए कि आपका वॉइस एकदम सामने वाला को सुनाई दे. एक चीज हो रही है, जो आपका होता है ना ये बगल में रखिए, जैसे आपने अभी, जैसे प्रवीण है, तो आप ये जो एयरफोन यूज किया ना, ये एयरफोन कभी भी यूज मत करेगा, डोंट यूज दिस एयरफोन इन इंटरव्यू, इट लुक्स लाइक अ बीकॉम वाला होता है थोड़ा सा, वो जो आता है ना ऐसे करके क्या बोलते हैं उसको, अच्छा दैट वन, दैट वन इज लुक्स वैसे ऐसे रख, ये यूज ही नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा वो था दैट वन. अच्छा सर, हेडफोन, तो कौन सा हेडफोन यूज इज करेगा बेस्ट, बताइए। हेडफोन, हेडफोन या जो होता है ना, जो हम भी ये यूज करता है ऐसे, और जो हेडफोन होता है ना, हेडफोन जो आपका 1100 में आता है, कौन सा आता है वो, कोई तो यहाँ पर में होगा ना जो माथा पैसा हो, दुखता बोट बोट बोट, हाँ. अच्छा ट्राई टू यूज हाँ गुड एयरफोन, ये सब क्वालिटी. और हेडफोन तो यू शुड हैव एन हेडफोन, बिकॉज इन द डिलॉयट यूएसआई वर्जन राउंड, हेडफोन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. हेडफोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिलॉयट यूएसआई ना. हेडफोन विद विद माइक ऑल्सो ना सर, सिंपल वाले हेडफोन नहीं, दूसरे वाला.
हाँ हेडफोन, तो ये दो तीन चीज है ना बहुत जरूरी है, ये चीज याद रखिएगा व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट, कि एक तो ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करना है, इमरजेंसी लाइट, इमरजेंसी लाइट दैट रिंग लाइट, रिंग लाइट 500 में आ जाता है, चलिए 500 ज्यादा लग रहा है, कंजूसी है, तो एक एक है इमरजेंसी लाइट, एवरीबडी हैज इमरजेंसी लाइट, पुट इमरजेंसी लाइट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप, एवरीथिंग विल बी योर फेस वुड बी सीन, ओके, जगमग जगमग लाइट, तरुण फेस इज लुकिंग गुड नाउ लाइक दिस, सेकेंड वॉलपेपर इज गुड, ओके, एंड देन कोट दिस थिंग्स वुड बी देयर, ब्लेजर बिग ब्लैक ब्लेजर, टाई, टाई इज मैंडेटरी, टाई वेयर एंड व्हाइट शर्ट, सी इफ यू हैव इन्वेस्टेड सो मच ना, देन इट दे विल ऑल्सो फील इमोशनल टू रिजेक्ट यू, सामने वाला बहुत इन्वेस्टमेंट करके है, ठीक है, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू, दैट पर्सन हैज पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू लुक प्रोफेशनल, ओके, तो दिस आर स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड टू डू, स्मॉल स्मॉल, नॉट बिग बिग इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी लाइट, गुड कैमरा, एंड मेक श्योर द एवरीथिंग एंड ऑन योर वीडियो ऑल द टाइम, इफ देर इज अ प्रॉब्लम विथ वाई फाई सो यू शुड हैव जियो एंड एयरटेल बोथ इंटरनेट कनेक्शन हॉटस्पॉट, रिचार्ज योर इंटरनेट प्रॉपरली सो दैट देर इज नो प्रॉब्लम विथ इंटरनेट कनेक्शन, सो दिस थिंग्स शुड बी सॉर्टेड बिफोर एंड, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली पीपल गेट रिजेक्टेड, आई हैव सीन सो मेनी पीपल, स्मॉल स्मॉल रीजन दे गेट रिजेक्टेड एंड वी डोंट वॉन्ट टू गेट रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, एंड आई हैव सीन पीपल दोज हैव इन्वेस्टेड इन दिस, दे हैव लेस नॉलेज, दे हैव गॉट क्लियर इंटरव्यू, बिकॉज सी नोबडी कैन एनालाइज यू इन द इन इन 1 आवर और हाफ एन आवर, तो व्हाट दे सी दे एनालाइज यू, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इन 30 मिनट्स और वन इन 60 मिनट्स नोबडी कैन एनालाइज योर 3 इयर्स ऑफ आर्टिकल्स इन पीरियड, राइट, एंड दे आर टेकिंग सो मेनी इंटरव्यूज, 100 to 100 CA फ्रेशर दे आर चेकिंग, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एनालाइज यू ऑन द बेसिस ऑफ द 30 मिनट्स और 60 मिनट, तो इन 30 60 मिनट्स यू अपियर प्रोफेशनल, कोट टाइप एंड एवरीथिंग यू वेयर, गुड लाइट कैमरा एवरीथिंग प्रॉपर, हाई चांसेस, एंड देन यू से समथिंग, तो देखो सब तो प्रिपेयर तो करके जाएगा मुंह से, तो फ्रॉम माउथ नो मैटर हुएवर इज द स्टूडेंट एवरीबॉडी विल प्रिपेयर समथिंग एंड गो देयर, बट इन अपीयरेंस यू हैव टू लुक वेरी बेटर एंड अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये चीज गलती मत करिएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स योर मार्क्स इज डिडक्टेड एंड दिस मिस्टेक्स आर वेरी वेरी कॉस्टली, ठीक है, समझ गए ना, अभी भी आपका लिखिता लाइट इज, तो कैमरा इमरजेंसी लाइट एक रख लीजिएगा, इमरजेंसी लाइट विल हेल्प यू आउट, इमरजेंसी लाइट है ना, वन इमरजेंसी लाइट इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप, एंड एवरीबडी शुड हैव लैपटॉप, इफ यू डोंट हैव लैपटॉप हायर अ लैपटॉप फ्रॉम एनी फ्रेंड, लैपटॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एनीबडी, व्हाट अंजलि यू आर सेइंग समथिंग ना, सर, टुडे यू फाइंड एनी प्रॉब्लम विद योर ऑडियो क्वालिटी इन ऑडियो क्वालिटी वाज अ प्रॉब्लम, माय केस? या इनिशियली ऑडियो क्वालिटी वाज अ प्रॉब्लम, ऑल्सो इफ यू आर यूजिंग दिस ना एयरफोन, तो एयरफोन को एकदम बगल में रखेगा, एकदम मुंह में करके बात करेगा तो ज्यादा से अच्छा से आवाज आएगा आपका, ये भी आप एक कोशिश करिएगा, देखिए आपको दो तीन बार तो ना, एक चीज और मैं आपको बता देता है, ठीक है, जब आप इंटरव्यू देगा तो सामने वाला अगर आपको, इफ द इंटरव्यूअर सेज यू कि प्लीज बी लाउडर प्लीज बी लाउडर, आफ्टर 3 टाइम्स ही विल नॉट से यू एनीथिंग, तो दैट इज द इंडिकेशन यू विल गेट फ्रॉम द इंटरव्यूअर ओनली, तो अप्लाई योर सेंस ऑफ माइंड एंड टेल हिम सर आई एम ऑडिबल ना, सर आई एम ऑडिबल ना, इफ यू जस्ट कीप ऑन सेइंग एंड द अदर वन इज नॉट लिसनिंग टू यू, देन यू विल से व्हाई दिस नॉट वे, इट विल बी अ प्रॉब्लम, तो यू टेल द इंटरव्यूअर सर माय ऑडियो वीडियो इज क्लियर ना, ऑडियो वीडियो क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर, वंस टेल द इंटरव्यूअर प्रॉपरली एवरीथिंग इज विजिबल ना सर, माय वीडियो इज ऑन ना, यू जस्ट कंफर्म विद द इंटरव्यू वंस देन माय देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम विद वीडियो कॉल लाइक एयरफोन एनीथिंग, तो जस्ट कंफर्म फ्रॉम हिम एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन जस्ट आस्क हिम अपोलॉजी एंड मेल हिम, यू माइट नॉट हैव हिज नंबर बट दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू, जस्ट डोंट टेल द आंसर द केबीसी आफ्टर दिस देन अनदर डोंट डू लाइक दैट, ओके, एंड अनदर थिंग, ओके, द बिगेस्ट मिस्टेक एवरीबडी विल डू समटाइम्स द इंटरव्यू डज नॉट ऑन इज वीडियो, तो यू ऑल्सो डोंट ऑन इज वीडियो, यू विल ऑल्सो नॉट ऑन, डोंट डू दैट, यू विल ऑन योर वीडियो एवरी टाइम, अदर पर्सन विल नॉट ऑन द वीडियो, इट इज इज मिस्टेक, लेट्स आई एम ऑल्सो नॉट ऑनिंग माई वीडियो, ओके, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट वो कुछ भी कर सकता ना, ही इज इंटरव्यूअर राइट, तो ही इज नॉट सपोज टू ऑन हिज वीडियो, मेनी पीपल हैव डन दिस मिस्टेक, तो यू आर सपोज टू ऑन द वीडियो व्हेन इट इज अ इंटरव्यू,
दैट पर्सन ही मे और मे नॉट ऑन इज वीडियो, दैट इज हिज प्रॉब्लम. सेकेंड थिंग, रिमेम्बर कम ऑन टाइम, डोंट बी लेट. ही कैन बी लेट बट यू कैन नॉट बी लेट. एंड इफ ही इज लेट, यू जस्ट मेल हिम सर, आई हैव जॉइंड द सेशन, आई एम इन टाइम सर, विल बी लेट. और इफ इट इज टेन 5 मिनट्स लेट, सर एक्चुअली आई एम इन टाइम, ओके सर आई विल इट बी लेट, ऐसा करके. ऐसे नहीं कि आर यू कमिंग, राइट है, ओके. एंड इफ इज टू लेट, देन टेल टू एच आर, टेल टू एच आर दैट यू आर लेट. बट इफ यू आर लेट, यू आर गोइंग टू बी गेट रिजेक्टेड अगेन. सपोज इंटरव्यूअर इज कम बिफोर एंड इज कॉलिंग यू, ओ प्रवीण गुप्ता प्लीज कम योर इंटरव्यू शेड्यूल, हाई चांसेस यू विल गेट रिजेक्टेड, हाई चांसेस यू विल गेट रिजेक्टेड ऑन दिस पैरामीटर्स. तो यू कैनॉट गेट लेट इन इंटरव्यू बाई एनी मीन्स, बाई एनी मीन्स यू कैनॉट गेट रिजेक्टेड. इन केस यू गेट रिजेक्टेड, अगेन अपोलॉजी, सिंसियर अपोलॉजीज फॉर माई साइड. आई एम फीलिंग, आई डोंट नाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई एम फीलिंग सो बैड अबाउट इट, बट आई एम विलिंग से सिंसियर अपोलॉजी दैट आई एम वेरी सॉरी सर दैट आई वॉज सो एक्साइटेड एंड आई वॉज लेट. तो यू विल से ओके इट्स ओके ओके ओके. सम आर वेरी क्रूड, जैसे वाई यू आर सो लेट, लाइक दिस यू विल डू इन अवर ऑफिस ऑल्सो. तो डिपेंड्स, ओके. बट यू विल टेल हिम अपोलॉजी, हिम और हर अपोलॉजी, एंड नाइसली यू विल टेल अपोलॉजी, सॉरी सर विल नॉट वर्क, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर दैट आई एम लेट अगे बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एक्चुअली इंटरनेट वॉज नॉट वर्किंग एंड एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, आई वॉज एक्चुअली फ्रॉम हाफ एन आवर आई वॉज एक्चुअली मेड द अरेंजमेंट सो नाइसली, बट आई डोंट नो वाई इट हैपेंड, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट. उसको दिखाना है कि आप आधा घंटा से रेडी था इंटरव्यू के लिए, भले आप रेडी नहीं होगा, आप रेडी कहीं और हो रहा होगा, और उसको दिखाना कि आई वाज वेटिंग फॉर दिस इंटरव्यू फॉर हाफ एन आवर. गेट माय पॉइंट क्लियर ना? इट्स नॉट लाइक कि बस 12 बजे इंटरव्यू है तो आपने बस 5 मिनट पहले अपना कंप्यूटर ऑन किया एंड बस आ गए बस और बैठ गए. इट शुड लुक दैट यू आर वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी फॉर हाफ एन आवर और मे बी 1 आवर, नॉट अ प्रॉब्लम. बट उसको लगना चाहिए कि आप बहुत बेचैन है, अपने वो एक्साइटेड है वो इंटरव्यू, समझ गए. ये सब मिस्टेक्स नहीं करेगा ये सब, क्योंकि ये लोग क्या ना टेक्निकल नॉलेज भी देखता है, पर टेक्निक सीए फ्रेशर को पता है लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता है. टेक्निकली आप लोग मोटा मोटी बोल ही देगा, मुंह तो चुप कोई नहीं करेगा, ऊपर में जितना हो सके सब मुंह खोलेगा, उनको पता है वहां पर मैं मुंह खोलेगा ही खोलेगा, बट ये सब चीज में गलती कर देगा. ये सब चीज असली है, कमिंग ऑन टाइम, नॉट सेइंग सॉरी, ग्रीटिंग देम इवन इन द लास्ट ऑल्सो यू हैव टू ग्रीट देम. इट वॉज वेरी वंडरफुल मीटिंग विथ यू सर, really learned a lot from you and I also like it was a great meeting with you and वैसे करके कुछ ना कुछ उनको बोलना है बस, okay. I was very grateful I got this opportunity and whatever the things I think I learned from your conversation I will try to improve. अगर वो आपको कोई फीडबैक देता है तो इम्प्रूव करेंगे, पर एंड भी अच्छा करना है, एंड में कुछ ना कुछ उसको बोलना है, लाइक होता है ना कि मतलब थैंक यू सो मच सर, इट वॉज ग्रेट, आई थिंक ऐसे कुछ ना कुछ उसको बोलना है. ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही उसको बस है ना, और एक और काम करना है, जाके उसको मेल कर देना है. मेल मिल गया तो इट वॉज अच्छा से मेल में कुछ ना कुछ लिख देना उसके बारे में कि आपने मीटिंग खत्म किया, हाथों मत करना, हाथों नहीं है, 1 घंटा बाद करना उसको, ठीक है, आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद मेल कर देना. फिर तो लिंक्डइन में भी कुछ होता ना, लिंक्डइन में भी कुछ ना कुछ लिख देना जाके, समझिए दोनों जगह लिख देना इंटरव्यूअर को. अगर लिंक्डइन में मिल रहा है तो इन लिंक्डइन ऑल्सो राइट समथिंग, इन मेल ऑल्सो यू राइट समथिंग. डोंट राइट कि व्हेन आई विल गेट द रिजल्ट, व्हेन आई कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट, एंड डोंट राइट कर, वो चाइल्डिश लगेगा. इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड लर्न लॉट, ओके. ऐसे करके उसको, ऐसे नहीं कि व्हेन आई कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट, वो सब एचआर को पूछना, दैट क्वेश्चन शुड बी एट सर, अगर हफ्ता भर हो गया उसके बाद फिर उसका कोई रिस्पांस नहीं आया एचआर से, तो हाँ जी क्या चीज, हफ्ता भर अगर हो गया और इंटरव्यू का, और अगर एचआर से कोई रिस्पांस नहीं एचआर आया तो एचआर क्या? से तब तब पार्टनर को फिर मेल करना, पार्टनर या जो भी होगा मेल, और उसको मैसेज करना कि इट्स बीन 1 वीक एंड आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू ज्वाइन योर फर्म एंड आई वुड बी हैप्पी इफ यू कैन गेट द फीडबैक ऑफ द इंटरव्यू, इवन इफ इट इज नेगेटिव नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई वुड बी हैप्पी इफ आई कैन गेट द रीजन ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम. ऐसे करके कुछ ना कुछ लिख देना, तो आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट विद एचआर, ऐसे करके वॉज एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई फ्रॉम योर एंड, बस हम्बल रह गए. हम्बल दिखाना है भाई, हम्बल, इट्स ऑल अबाउट हम्बल. यहाँ पर मैं इंटरव्यू में पूरा ह्यूमिलिटी दिखाना है, ह्यूमिलिटी जो दिखा दिया ना उसको ले सकते हैं, नॉलेज नहीं है और हम्बल, ह्यूमिलिटी बहुत है, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमिलिटी इन इंटरव्यू. और आप हम्बल है पर आपका शब्द हम्बल ये नहीं दिख रहा तभी प्रॉब्लम है, यू आर वेरी हम्बल बट योर इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट हम्बल, देन इज इट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा ह्यूमिलिटी दिखाना है आपको.
ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा ह्यूमिलिटी दिखा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, सर थैंक यू तो मेल वाला हाँ चेक करता है क्या एचआर? थैंक यू वाला क्या मेल चीज, चेक करता है एचआर? सही चेक नहीं करता सीवी भी सब है चेक करते हैं, का सीवी भी चेक होता है, सब चेक होता है। लिखिता का और क्या बाकी था, लिखिता का और देख लेता है, ठीक है? ये भी कितना है, 3 मिनट है, तो लिखिए, आपका समझ में आ गया ना? एनालिटिकल रिव्यू, ऑडिट प्लानिंग, प्लानिंग पता नहीं होगा, प्लानिंग का वीडियो देखिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, लेजर स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूज, वेरिफिकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला WDV का क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ WDV, ठीक है? डेप्रिसिएशन पूछता है लोग, WDV, डेप्रिसिएशन का रेट्स बताइए हमको, डेप्रिसिएशन का रेट, कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, रेट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट, डेप्रिसिएशन का WDV का फॉर्मूला बताइए। बहुत अजीब सा फॉर्मूला है, बहुत डिफिकल्ट होता है याद होने में, पर वो पूछ लेता है। 1 माइनस होता है ना स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय हाँ देस, सर, वो सब आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, पूछ लेते हैं लोग। तो अगर एकदम याद नहीं है तो आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द एग्जैक्ट फॉर्मूला, बट दिस इज द फॉर्मूला, ऐसे करके आप बोल सकते हो इसको, ठीक है? कैरीड आउट वेरी इज पास्ट ईयर, ये सब क्या लिखा है, कंप्लाइंस, एक मिनट रुकेगा। ठीक है, और इसपे क्या है, ऑडिट एरिया, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड बैंक रेवेन्यू, ये सब चीज ठीक है, डेटर्स, क्रेडिटर, एजिंग, रिकवरी, क्रेडिट, बैलेंस कंफर्मेशन, गाइडेड द प्रोसीजर्स, ठीक है? आपने ये पूछेगा आपको डेटर क्रेडिटर का ऑडिट कैसे करना है, ठीक है? ऑडिट ऑफ ये, फिर आपको ये जो आपने लिखा है ना, फिक्स है, ट्रेड रिजल्ट, ट्रेड पेबल, कैश एंड बैंक रेवेन्यू, टेस्टिंग, सारे तो लिख ही दिया आपने, ठीक है? रिजॉल्विंग द इश्यूज, ठीक है, P2P, H2O, सब तो लिख ही दिया आपने, सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज कब पढ़ेगी तुम, हाँ ठीक है? तो ऊपर का जॉब है ना ये, इतना पढ़ना बहुत जरूरी है आपको, लिखी था, समझ गए ना, रिकॉर्ड में पॉइंट ना, सर एक क्वेश्चन है सर, टीओसी अगर पूछेगा ठीक है? समझ गया लिखिता, यू गॉट ना लिखिता, राइट? गुड, तो सी नथिंग इज दैट, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और आप लोग अभी ना 4 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा मुसीबत में आने वाले हैं। नेक्स्ट 15 दिन आप लोग सीए फाइनल से ज्यादा पढ़िए, अगर 15 10 15 लाख करना है तो बहुत खराब भी लगेगा आप लोगों को, बेइज्जती हो जाएगा, समझ रहे ना? तो नेक्स्ट 15 डेज मेक श्योर दैट ये वीडियो तो कंप्लीट करिए। ये वीडियो क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, ये वीडियोस कंप्लीट करिए, वीडियोस नहीं समझ में आ रहा तो हमारे पास आइए। बट आपको पता ही 10 15 लाख रुपए वीडियो के अंदर में छुपा है, HDC आ रहा है, HDC, ये सब चीज हो जाएगा, ठीक है? और कोई भी काम मत करिए प्लीज, पैरेटो एनालिसिस समझे ना, पैरेटो एनालिसिस, 80-20 रूल। अभी जो नेक्स्ट 15 दिन है ना, आपको डिसाइड करेगा आपको कितना मिलेगा, 6 लाख की, 10 लाख या बारह हाँ लाख तो 4 लाख रुपया का नुकसान तो उसी, और उस पर उतना भी नहीं मिलता है, 40 40 हजार, 4 लाख 80 हजार, तो 12 लाख और 4 लाख 80 हजार में ये जो 15 दिन आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक्सेल शीट और ये जो मैं बोला ना रेज्यूमे एक्सेल शीट, उसको कंप्लीट करना है और वीडियो को कंप्लीट करना है। 8 लाख का फर्क तो मिलने वाला है, पूरा पूरी 8 लाख रुपया का बात है, 8 लाख रुपया कम नहीं होता है, देखिए, समझ रहे ना? अपनी तो बैठे बैठे पैसा देते हो, कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है, एक बार आपका 8 लाख लग गया, 12 लग गया, नेक्स्ट टाइम 14 लाख, फिर 16 लाख, फिर 20 लाख, ऐसे करके भी करोड़ बन जाएगा, ठीक है? कम इन टू द सेम सेशन, किसका भी बाकी रह गया, बाकी का ले लेते हैं सीवी, ठीक है? ओके।